नमस्कार, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर, आजाद भारत तक पर। आप लोग देख रहे हैं कि निरंतर कई दिनों से सुन रहे हैं सूचना की बहराइच जो है जल रहा है। बहराइच में बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो लोगों को नागुजार गुजर रहा है। कुछ लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं, कई नेता भी समर्थन में आ रहे हैं और कई नेता उसके विपक्ष में आ रहे हैं। दरअसल कुछ लोग जातिगत दे रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिगत नहीं है। मतलब अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है तो उसको मारने का अधिकार जो है संविधान किसी को नहीं देता। एक तरफ कोई लोग कह रहे हैं तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि आखिर में वो जब किसी के छत पर या किसी के घर में घुसकर कुछ अवैध कानून या अवैध कार्य करेगा, उसका झंडा तोड़ेगा, तो ये सब हो सकता है। चलिए माना कि गलती उसकी है, ये आप लोग मान सकते हैं। दूसरी बात, फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि रामगोपाल मिश्रा जो है उसके छत पर क्यों चढ़े और उसका झंडा क्यों तोड़ रहे थे, उसकी रेलिंग क्यों गिरा रहे थे। लेकिन हाँ, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि किसी के छत पर घर में घुस गया है तो आपको गोली नहीं मारना चाहिए था, गोली मारना नहीं चाहिए था, उसके साथ ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो नाखूनों की नोचने का। आपको पकड़ना चाहिए था, खून से पीटना हो तो आम बात है कि, लेकिन हाँ, पुलिस के हवाले जरूर करना चाहिए था। दरअसल उस समय जुलूस, माता जी का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के समय जो है कई लोग उसके साथ में थे और वो वहां पर ऐसा कुछ बताया था कि पथराव शुरू हुआ या झगड़ा लड़ाई कुछ शुरू हो गया। उस पथराव के बाद में माहौल कुछ ऐसा बना कि क्या रहा होगा, उसमें ना मैं था, ना आप थे, ना कोई टीवी मीडिया था, ना कोई पुलिसकर्मी। तो जो है कांस्टेबल जो रहते हैं वो लोग रहे होंगे, उनको पूरी जानकारी होगी, लेकिन उससे क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं किसी को नहीं पता है। माननीय योगी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा, उनके परिवार से मुलाकात की, उनको कहा कि आप लोग ये सुनने में आ रहा है कि सूत्र से पता चल रहा है कि 10 लाख रुपया उसको देने की बात कही गई है, एक आवाज देने की बात कही गई है, और थोड़ा मोड़ा हमें भी सुनने में आ रहा है कि शायद उसको एक आवाज भी मिले और मिलने के बाद एक नौकरी भी शायद दी जाए जिससे उस महिला का जो है जीवन यापन हो सके। अब रामगोपाल मिश्रा जो गोपाल मिश्रा थे उनके लिए उनके पत्नी को ऐसा मिलेगा, मिलने की जो है आश्वासन दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी दिया गया है, कहा गया है कि दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। तो इसमें इसका मतलब कोई ना कोई तो दोषी है, और दोषी कौन है? जिसने मौत के घाट उतारा होगा वो लोग दोषी ही होंगे। मैं पकड़ में नहीं आ रहे हैं कुछ है, सब बात है, लेकिन दोषी तो है, अपराध इन्होंने भी किया कि छत पर चढ़े, लेकिन दोषी मारने का अधिकार किसी को संविधान नहीं देता। तो आपने पकड़ा था, ऐसी बात हुई थी तो आपको पकड़ करके उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, या एसपी कलेक्टर किसी को फोन करना चाहिए था कि ये हमारे घर में घुसे इस तरीके, लेकिन मौत के घाट आपको नहीं उतारना चाहिए था। चलिए इसी के बाद आप लोग क्या सोचते हैं बहराइच के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे भी मुख्यमंत्री पिछली बार हो चुके हैं जो इसके समर्थन में नहीं है, विपक्ष में है। क्यों चढ़े? तो उनको क्यों चढ़े का जवाब भी चाहिए। जवाब यही हो सकता है सब लोग दें कि अगर चढ़ भी गए, अपराध हो भी गए, गलती कर ही दिए तो उनको मौत, मतलब किसी को गोली मारना या संविधान किसी को अधिकार नहीं देता है। चोरी डकैती लूटपाट होते रहते हैं, सबको सजा मिलती है, सबको कोर्ट होता है। अगर गोपाल मिश्रा ने गलती की थी तो उनको सजा मिलता, अगर वो दौड़े मतलब दौड़ भाग करते पैरवी करते तो उनको जो है जज कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको कुछ ना कुछ सजा मिलता, लेकिन मौत के घाट उन्होंने उतार दिया है तो खुद दोषी हो गया, दोषी वो भी नहीं हत्या के रूप में दोषी हो गए। तो आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं, और रामगोपाल मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। और हम आपको उस वीडियो का थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग देख ही रहे होंगे, बगल में चल रहा होगा, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। जय हिंद।